अगर इंटरनेट चलाते हैं तो कभी ना कभी डार्क वेब के बारे में तो सुना ही होगा, तो केवल सुनना ही क्यों, चलिए जान लेते हैं ये क्या होता है। आज हम जो भी करते हैं, शॉपिंग, खाते पीते, घूमते, कोई जानकारी, बस इंटरनेट पर गए, सर्च किया और जानकारी हमारे सामने। आपको लगता है ना कि आप इंटरनेट के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये जानकर शौक लगने वाला है, आमतौर पर इंटरनेट के बारे में केवल 4% की ही जानकारी आपके पास है। हाँ हाँ भाई, केवल 4% ही। भाई आगे जाने से पहले ना हमें आपसे एक शिकायत है, वीडियो पर लाइक नहीं मिलते। अगर लाइक अभी तक नहीं किया है तो अभी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, आपके प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है। आप चाहे गूगल, ओपेरा, याहू, यूसी ब्राउज़र, कोई भी वेब ब्राउज़र इस्तेमाल कर लो, वो सभी पूरे वेब वर्ल्ड का 4-5% ही कवर करते हैं। बाकी 95-96% के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस 0%। और हो भी क्यों ना, ये आम लोगों की पहुंच से भी बाहर होता है। और ऐसे ही वेब की बाहरी दुनिया को डार्क वेब कहते हैं। वहाँ वो सब कुछ मिलता है यार जो हमारे यहाँ इलीगल होता है, जिसमें हैकिंग है, पोर्नोग्राफी है, ड्रग्स सेलिंग्स या हथियार वगैरह हैं और बहुत सी चीज़ें। इसमें कुछ ऐसी वेबसाइटें भी हैं जिसमें हमें विजिट करना भी इलीगल होता है, और हाँ, डार्क वेब को भी विजिट करना भी इलीगल होता है, कई सारे और भी देशों की तरह यार। लेकिन सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू नहीं होता, यहाँ कुछ बेकार की चीज़ों को छोड़कर डार्क वेब में बहुत काम की भी चीज़ें होती हैं। और फिर तो आपके ऊपर है, आप इसे कैसे और क्यों इस्तेमाल करते हैं, चलिए इसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कुछ। डार्क नेट होता है क्या और ये कैसे काम करता है? तो फ्रेंड्स, डार्क वेब इंटरनेट के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे सर्च इंजन द्वारा इंडेक्स किया गया नहीं होता। भाई डीप वेब के रिसर्चर्स कहते हैं इंटरनेट का केवल 4-5% ही आमतौर पर लोगों को विजिबल होता है, जिसे सरफेस वेब कहा जाता है। दोस्तों, डार्क वेब में ऐसे वेबसाइट होते हैं जो लोगों को दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनके आईपी एड्रेस और जानकारी को जानबूझकर छुपाया गया होता है, जिसे कुछ टूल की मदद से देखा जा सकता है। लेकिन इनके सर्वर को ढूंढना और ट्रैक करना नामुमकिन होता है। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए बहुत से लोग इन पॉपुलर टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें थोर ब्राउजर हो गया, आईपी बहरा हो गया आदि। ये दोनों डार्क वेब में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। दोस्तों, डार्क नेट एक इंडस्ट्रीज है जो कि डार्क वेब में ही ऑपरेट होती है, जिसे डार्क नेट मार्केट कहते हैं। यह बहुत सारे काले कारनामों की लिस्ट होती है जिसे सरकार द्वारा इलीगल कर दिया गया है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसियां, संस्थाओं को यह डर लगता है कि कहीं उनका डाटा चोरी ना हो जाए या वो हैकिंग का शिकार ना हो जाए। फिर वो कंपनियां अपने डाटे को बचाने के लिए डीप वेब का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि यह डार्क वेब है ना, यहां आपकी आईडी और आपकी एक्टिविटीज ट्रैक नहीं होती, और इसी के लिए अपना सारा डेटा पूरी तरह यहाँ सुरक्षित रखती हैं। अगर दोस्तों आपको डार्क वेब के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, और हाँ, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो मिलते रहें सबसे पहले आपको। और हाँ, वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको डार्क वेब के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, डार्क वेब एक समुद्र की तरह है, जिसमें आप जितना आगे जाओगे उतना ही बड़ा और रहस्यमय होता जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।